नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खौफ को उसने अपनी सीढ़ी बनाकर उत्तर प्रदेश में वो सबसे बड़ा माफिया बन गया। जी हां, बात अतीक अहमद की हो रही है। राजू पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद जेल में है, लेकिन बावजूद इसके दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में उस मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या कानून व्यवस्था पर यह बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है? वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी राज में बुलडोजर जस्टिस का दौर चल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कैसे एक के बाद एक अतीक अहमद के करीबियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। क्या न्याय का ये तरीका सही है? क्योंकि जिस मैंडेट के साथ योगी वापस आए हैं उसमें कई लोग ये मानते थे कि कानून का दबदबा उत्तर प्रदेश में कायम करने में ये बुलडोजर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जब उन्होंने जीत हासिल की तो लोग बुलडोजर के साथ निकले, बुलडोजर के खिलौने बिकने लगे और बुलडोजर पर ढेरों चर्चा होने लगी। आज इसी पर बातचीत करेंगे कि बुलडोजर जस्टिस क्या इस देश में हो सकता है, क्या इसकी इजाजत संविधान देता है, या फिर कानून का दबदबा अगर उत्तर प्रदेश में कायम करना है तो यह कदम जरूरी है। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्र प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के। अतुल लोढ़े साहब हमारे साथ जुड़ रहे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं वो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। एक मंत्री ने कहा अपराधी है तो गाड़ी पलट सकती है, सुनिए। प्रयागराज के धूमनगंज में माफिया के शूटरों ने राजूपाल हत्याकांड के चश्मदी उमेश पाल को घेर कर इस तरह मार डाला था। लेकिन माफिया को इस बात की भनक नहीं रही होगी कि इस हत्याकांड के साथ ही प्रयागराज में माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। माफिया ने अपना काम कर दिया और अब योगी के बुलडोजर अपना काम कर रहे हैं। आज चौथा दिन होगा जब फिर योगी के बुलडोजर प्रयागराज में गरजेंगे। कहां होगा आज का एक्शन, ये जानने से पहले जरा बीते तीन दिन की तस्वीरों पर एक नजर डाल लीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यानी तीन दिन में खालिद, जफर, अहमद, सफदर अली और माशुकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला। तीनों का नाता कहीं ना कहीं बाहुबली अतीक अहमद से था और तीनों के घर जमींदोज कर दिए गए। और इस कड़ी में आज बारी आ सकती है दो शूटरों की। वो शूटर जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में अहम रोल अदा किया था, इनमें से एक है बम्बाज गुड्डू मुस्लिम। वही गुड्डू मुस्लिम जो उमेश पाल पर हत्या के दिन बड़े आराम से बेखौफ बैग से बम निकालकर बरसा रहा था। इसी के बमों ने धूमनगंज में दहशत फैला दी थी, ट्रैफिक को थाम दिया था। लेकिन आज इसी गुड्डू मुस्लिम के घर पर चल सकता है बुलडोजर। दूसरा शूटर जो आज निशाने पर है और अपने किए का फल भुगतेगा वो है मोहम्मद गुलाम। उमेश पाल की हत्या के दिन गुलाम दुकान में घात लगाकर बैठा था और अचानक दुकान से बाहर निकलकर गोलियां बरसाने लगा था। आज इन दोनों में से किसी एक के घर योगी का बुलडोजर दस्तक देगा। बुलडोजर तीन दिन से गरज रहे हैं। शुक्रवार को उमेश पाल हत्याकांड में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन हुआ था जब अतीक के करीबी मुजफ्फरुद्दीन के घर पर कार्रवाई हुई थी। मुजफ्फरुद्दीन वही है जो अतीक के पैसे का हिसाब रखता था। गुरुवार को गन हाउस के मालिक सफदर अली के मकान को बुलडोजरों ने निशाना बनाया था। शुरुआत में घर वालों ने गेट लगाकर विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन सरकारी सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। और बुधवार को एक्शन के पहले दिन बारी थी अतीक के करीबी खालिद जफर अहमद की। दो तरह के बुलडोजर बुलाए गए थे। योगी पहले ही विधानसभा में संदेश दे चुके हैं कि माफिया नेस्तनाबूद किया जाएगा, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनसे, तो मिटाने की बजाय सरकार का निजाम ठीक कीजिए। यूपी में एक तरफ प्रयागराज में एक्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मऊ में भी
मुख्तार अंसारी के परिवार पर गाज गिर रही है। मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास और उमर के घरों पर शुक्रवार को बुलडोजर चले। लगता है कि सीएम योगी की विधानसभा से हुंकार को अफसरों ने भी समझ लिया है और एक्शन प्लान पर शिद्दत से काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे, कानून से न्याय मिलेगा या फिर बुलडोजर से? तय कर लिया है क्या योगी जी ने? अभी जो राशिद अलवी जी क्या बोल रहे थे, मतलब एक तो पता नहीं कैसे उनको ये ज्ञान है कि 90% मकान बगैर नक्शा पास किए हुए हैं, तो ये पहले ही दर्शाता है कि उनको पता नहीं कौन से सोर्स से और किस जमाने का ज्ञान है। परंतु मैं बहुत साफ बात कह रहा हूं, यदि मकान अवैध है तो उस पर तो कार्रवाई होगी। अब आप कह रहे हैं कि पकड़े जाने पर क्यों होगी, मैं उदाहरण बता रहा हूं, आप अपनी गाड़ी चलाते जा रहे हैं, आप ओवरटेक करें, पुलिस रोक लेती है और उस समय आपके पास गाड़ी कागजात ना हो, तो आप थोड़ी कहेंगे नहीं 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 मेरा सिर्फ ये देखो कि ओवरटेकिंग सही थी कि नहीं थी, तब तो गाड़ी जब्त हो जाती है ना अगर गाड़ी कागजात नहीं है। सेम स्थिति यह है कि अगर आपने कोई अपराध किया और आपकी जांच हुई और माना गया कि आपका अवैध उसके ऊपर बना हुआ है, तो अब जब प्रकाश में बात आ गई तो खत्म। अब स्थिति जानते क्या है, तो सब थाने में एक बुलडोजर लगा दीजिए, थाने में साहब अभी थाना वाना हटाइए, पुलिस सिपाही बुलडोजर चलाने वाले बुलडोजर नेसेसरी। एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में क्या छवि बनी हुई थी। याद करिए, पुरानी फिल्म थी कंपनी, जिसमें मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट किलर दिखाया गया है, गोली चलाने के बाद वो बस में बैठता है और क्या लिखा हुआ, आजमगढ़ 500 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश की छवि बना के रखी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील। आज ये सब बदलाव हुआ है, उसमें बहुत बड़ा रोल बुलडोजर का है। जो हम लोग चुनाव के समय गीत बहुत चला था ना भोजपुरी में, कि बिलवा में घुस जाए ला सब सांप बिच्छू गोजर, चले ला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर पर तालियां बज रही हैं और उसकी बड़ी भूमिका थी योगी आदित्यनाथ की जीत में, जब वो वापसी कर रहे थे सरकार में। अनुराग जी, जिन जिन माफियाओं को आपने पाला, पाल पोसकर बड़ा किया, अब उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ कह रही है, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आ रही है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए हमेशा से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी पुलिस वाले को गोली मार दी जाएगी मर जाएगा, या उमेश पाल को गोली मार दी जाएगी सरेआम, गोली बारूद बम रोड पे चलेंगे उसके बाद आप जगेंगे, उसके बाद आप 12 घंटे में हल्ला मचाने लगते हैं, मैंने गिरफ्तार कर लिया, मैंने उसको इनकाउंटर कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए पहले कर देते तो बच जाते ना वो जो परिवार बर्बाद हुए। उस पुलिस वाले का क्या कसूर था जो उसके उसको सुरक्षा में मिला हुआ था, उसके घर वाले तो बर्बाद हो गए ना, उसके बीवी बच्चे बर्बाद हो गए, उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए, तो ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं बाद में क्यों करते हैं? इसके लिए आपकी नियत पे शक होता है कि आप यहां पे कार्रवाई सही नहीं कर रहे हैं। आपको कार्रवाई करनी चाहिए, पहले कीजिए, खत्म कीजिए माफियाओं को। और मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, तब भी किया था, आप भी करता हूं, आप 100 टॉप 10 माफियाओं के जो उत्तर प्रदेश में, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए और सब पे कार्रवाई कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर लगता है, उसमें इनके भी हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे आप जारी कर दीजिए ना, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आपके टीवी चैनल पर बोल रहे हैं कल आप, और मैं आप दोनों को चैलेंज करती हूँ, अपने अपने बता दीजिए। नहीं नहीं, आप अपने अपने बता दीजिए आदमी, अब अगर इनकी शुरुआत करें, इनकी शुरुआत करें, आपने कहा कुछ इनके भी है, आपके वाले कौन, लखीमपुर खीरी से भी पूछे, हम लोगों ने कितनी डिबेट की लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी के सांसद के ऊपर में कितनी डिबेट हुई, जिसके बेटे ने चार चार लोगों को रौंद दिया, उसका नाम भूल जाते हैं, मेमोरी से आउट कर देते हैं, दुनिया की बातें बता रहे थे। पूर्वांचल पता है क्यों जाना जाता है, कि पूर्वांचल में अच्छे लोग रहते हैं, वहां पे पूर्वांचल जाता है, जाना जाता था, नहीं नहीं जाता था, जाता है, आपकी तरह नहीं है कि आप पूर्वांचल को बदनाम करने में यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, हम उस पर गर्व करते हैं। आपको हो सकता है क्योंकि हमने वहां विकास का रास्ता दिया है, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, तो आपको डर लगता है, तो समाजवादी ने बना दिया है, अब उसका श्रेय अपने ऊपर लेने में लग जाते हैं। अपने अपने की लिस्ट, मैं बता, लिस्ट, लिस्ट। समाजवादी में है ही अपने, नहीं अपने की लिस्ट। बीजेपी में सरकार इनके पास है, सिर्फ इन्हीं के पास है। नहीं, सरकार इनकी है ना, कुछ इनके भी है, सरकार इनकी है, लिस्ट ये जारी करेंगे ना। हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, क्या माँ बेटी को कानपुर में वहां पे जिंदा नहीं जली? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कानपुर के अंदर में इन्हीं का बुलडोजर गया था और माँ बेटी जिंदा जल गई, क्या ये जवाब देंगे? उस बेटी के बाप का क्या होगा,
उसके पत्नी जिसकी मौत होगी आपके सामने जलते हुए, क्या उस पर बीती होगी? कभी आपने सोचा इस बात के लिए? कभी आपने सोचा लखीमपुर में चार लोगों को रोन दिया गया, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, कभी आपने चर्चा की उसमें? जब भी मैं आपसे बोलता आप चर्चा नहीं करना चाहते। कभी हथरस की बेटी पे आपने चर्चा की? क्या उनके गुनाहों को आपने सजा दी? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ राजनीति करने आते हैं, ये ऐसा बताने आते हैं जैसे सरकार समाजवादी पार्टी की हो। आपको जनता ने चुना है, भारी बहुमत से चुना है, और आप जनता के साथ क्या करते हो? जनता ने आपको बहुमत दिया, जनता ने आपको विश्वास दिया, आप उसके बदले में उनको दर्द दे रहे हो। और जो दोष किस पे मरते हो? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी भैया, है आपकी, ठीक है। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए और सवाल सुनिए। प्रॉब्लम यह है बुलडोजर जैसी चीजों को अनलीश करने में कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसको घर मिला था मध्य प्रदेश में, उसका घर गिरा दिया गया। यहां पर मां बेटी बिलखते रहे, जिंदा जल गए और वहां पर घर गिर रहा था। फिर अब ताली बजाएं इस पे या फिर मातम मनाएं? देखिए, जहां तक इन्होंने बात कही दर्द की, तो मैं बताना चाहता हूं, जब योगी जी ने विधानसभा के अंदर कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो सबसे ज्यादा दर्द किसके दिल में हुआ? अखिलेश यादव खड़े होकर यह बोलने लगे कि भाषा पर नियंत्रण रखिए, मतलब माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो भाषा उनके दिल में दर्द होने लगी। कारण जानते हैं? आपने बड़ा गलत प्रश्न पूछ लिया इनसे, अपने बता दीजिए। अरे यहां गिनत उंगली थक जाइए, माफिया है हजार। ये है समाजवादी पार्टी सरकार। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चलिए, ना मेरी, ना सपा की, ना भाजपा की। उत्तर प्रदेश में एक दौर में नारा लगा था ना, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, किसके लिए था और किसने लगाया था? बुआ जी ने लगाया था ना। अब मैं बता रहा हूं, चलिए वो सब अलग है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में गुंडा शब्द किसने लिखा हुआ है? मायावती जी ने लिखा है, समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कोर्ट की प्रोसीडिंग में लिखा है। मैं स्वर्गीय अजीत सिंह जी का बयान याद दिला रहा हूं, सपा ना भाजपा। स्वर्गीय अजीत सिंह ने क्या कहा? जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा। तो ये तो उन लोगों ने कहा ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिल का दर्द हम आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हाँ। और वही वो पीड़ा थी जो उफान मार रहा था, जो जाके अखिलेश, और सिर्फ अपराधियों तक नहीं है, इनके दिल में तो दर्द इतना है कि लखनऊ, उस जमाने में फैजाबाद नाम था, वाराणसी की जिला अदालतों में धमाके करने वाले आतंकवादियों से केस विड्रॉ कर लिए थे। वो तो भला हो हाई कोर्ट का उसने हस्तक्षेप किया, इस कारण से नहीं कर पाए। ये तो आतंकवादियों के लिए भी छाती पीटते हैं जाके भाई। अगर आप देखिए आजमगढ़ में जाके संजरपुर में कहां आतंकवाद के आरोपियों के आगे सजदा करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा ये बताइए, मैं भी पूछूंगा, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई है, कोई सफाई गया हो तो बताइए। पूछूंगा, कोई सफाई क्या हो तो बताइए, हमने दिल्ली में बुला के उनका अभिनंदन किया था। पूछूंगा। ये बताइए, उस्ताद बिस्मिल्ला खां के घर पे कोई सफाई गया हो कभी तो बताइए, या सकरुद्दीन का सूरमा गया हो? इनको सिर्फ अपराधियों आतंकवादियों से लगाव है, इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के साथ लगाव है, इसीलिए आप उसके प्रतीक बन के बैठे हुए हैं। जवाब के अलावा जवाब दूं? ये पहली इनकी सरकार है, अब इनसे पूछोगे तो जवाब नहीं देंगे। अपराधियों पे, नेताओं पे मुकदमे किसने वापस किए अभी बिल्ला के विधानसभा में? किसने, कौन थे वो जिन पे मुकदमे वापस हुए? क्यों आपने मुकदमे वापस किए? क्या था वो? क्योंकि आप मुकदमे वापस कर लेंगे फिर तो अपराधी रहेगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। इन्होंने मुकदमे वापस किए, इनकी सरकार है, इनकी सरकार है कि ये वो लोग हैं जब इनसे सवाल पलट के पूछा जाता है तो पता क्या करते? 1980 में क्या हुआ था जरा बताइए, 1972 में क्या हुआ था जरा बताइए, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं 2023 में क्या हुआ ये बताइए। इसकी बात आप नहीं करोगे, आपको वोट जनता ने 2017 में दिया, 2022 में दिया, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? पर वो भूल जाते हो क्या जनता को? उसकी बात नहीं होगी और हम पलट के आपसे पूछ देंगे कि आप तो कहते थे यहां जब आएंगे हमारी सरकार आएगी, कहते थे, कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए, आपने तो दिवाली कही थी कि हर घर में दिवाली होगी, 2 करोड़ रोजगार हर घर में होगा, क्या बच्चों को रोजगार मिल गया, क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई, बताइए ना। ठीक है, अतुल साहब, इनसे पूछो महंगाई, डीजल पेट्रोल सब सस्ता हो जाएगा, क्या हो गया? और जब इनसे डीजल पेट्रोल की बात करो तो कहेंगे चाइना में क्या भाव है, ऑस्ट्रेलिया में क्या भाव है? अरे भाई हम पूछ रहे हैं इंडिया का, बताइए भैया, विदेश से डिग्री लेके क्यों आया है? विदेश से डिग्री लेके आपके नेता आए हैं ना, तो फिर कहीं नहीं पूछेंगे विदेश में, डिग्री पे चले गए,
महंगाई से डिग्री का क्या संबंध है? ताली बज गई विदेश पे। डिग्री का क्या संबंध है? ताली बज गई विदेश पे। महंगाई से डिग्री का क्या संबंध है? अतुल जी नहीं, एक बात तो ऐसे ही विदेश पे ताली बज गई, लेकिन ये ताली इस पे भी बजा लीजिए कि पिछले 9 साल में 12.5 उद्योगपति जो है देश को छोड़ के, देश की नागरिकता छोड़कर भी चले गए हैं। पहली बार देख रहा हूँ सुधांशु जी आप किस बात का अभिमान कर रहे हैं, जिस प्रदेश से आते हैं उसकी बदनामी करके आप अपना नाम बनाना चाहते हैं भाजपा, तो ये और बात है। हमको उत्तर प्रदेश नहीं, हमको हर गांव पे, देश के हर नागरिक पे हमको अभिमान है, चाहे सत्ता में कोई भी आए। लेकिन ये गलत बात है सुधांशु जी, आप जैसे पढ़े लिखे को शोभा नहीं देती है, कोई दूसरा कह देता है आपके दौरे हुकूमत आपको शोभा नहीं देती बिहार वालों की। देखो मेरे साड़ी आपकी सरकार थी, पिटाई हुई थी, बड़ी शोभा दे रही थी, राजनीति मत करिए। ऐसा है एमसीडी में चुने हुए नुमाइंदों का गुंडागर्दी जो है ये देश देख रही है, आपके ही राज में हो रहा है, तो आप किसी दूसरे के मतलब एक उंगली उठाओगे चार उंगली आपकी तरफ उठेगी। लेकिन सवाल वो नहीं अंजना जी, सवाल आपने खड़ा किया है, महाराष्ट्र में काफी एनकाउंटर्स हुए हैं, महाराष्ट्र में एक जमाने में मुंबई में इंटरनेशनल माफिया हुआ करता था, उसको एलिमिनेट किया गया ना, उसको एलिमिनेट किया गया कोर्ट के तहत, कोर्ट में खड़ा किया गया, कोर्ट में सारी चीजें रखी गई, उसके बाद में एलिमिनेट किया गया। इन्होंने गाड़ी का उदाहरण दिया, बड़ा सही उदाहरण दिया, इनको मोटर व्हीकल एक्ट बताता हूं मैं, या तो आप मान लो फाइनेंशियल पेनल्टी दे दो, गुनाह किया है तो वहां हो जाता न्याय, वो पुलिस को अधिकार है, या तो फिर आप एक मिनट कोर्ट पे जाओ। लेकिन पुलिस अगर गाड़ी पकड़कर, अगर लाइसेंस नहीं है तो तुम दिखाओ कोर्ट में दिखाओ, उसके बजाय बच्चे की गाड़ी उठा के वहीं जला दे, तो क्या वो न्याय होगा? हम लोकतंत्र में है क्या? हम अफगानिस्तान में खड़े होकर चर्चा कर रहे, लोकतंत्र की दुआई देंगे और अफगानिस्तान जैसी बात करेंगे? क्या मध्ययुग की तरह हम वापस जा रहे? इस देश का न्याय व्यवस्था पे किसी को विश्वास नहीं है? न्याय व्यवस्था न्याय नहीं करेगी, न्याय करेगा वो बैठा हुआ गृहमंत्री, वो पुलिस न्याय करेगा? वो पुलिस तो पकड़कर सामने खड़ा करेगा न्याय व्यवस्था के। और अगर इसी तरह का होता रहा ना तो जंगलराज आने में टाइम नहीं लगेगा, इसको जंगलराज कहते हैं। इसका जल्दी से एक शांतनु थोड़ा सा रिबटल, वो कह रहे हैं कि जस्टिस कोर्ट से ही आएगा, वो बुलडोजर के साथ नहीं होगा। अंजना, जितने भी मामलों में करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त करी है, हर मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में गया और हर मामले में योगी सरकार बिल्कुल क्लीन वापस आई, पहली बात। दूसरी बात, आपने 2-3 बार कहा कि कैसे अतीक अहमद को पाला है और बड़े बड़े हिस्ट्री में जाते ही बड़े परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री, नए बच्चे हैं जो 2000 के बाद, जो 2000 के बाद ऐसे लोग होंगे 2000 के बाद पैदा हुए होंगे। अंजना जी, बोल दीजिए, मैं बताता हूँ ना, सारे एनकाउंटर बताऊंगा आपको, सारे नए बच्चे लग रहे हैं 2000 के पहले पैदा होंगे, उनको हिस्ट्री जानना जरूरी है, कैसे पाला गया अतीक अहमद को 1996 से 2002 तक, कब से 1996 से 2002 तक इलाहाबाद वेस्ट की सीट से विधायक थे समाजवादी पार्टी के। इनको लगा नहीं विधायक बन के क्या होगा, इनको लोकसभा भेजना चाहिए, तो 2004 से 2009 में फूलपुर की सीट से, चाचा नेहरू की सीट से कहां भेजा गया, संसद भेजा गया। फिर अखिलेश आ गए 2012 में, ये कहते नहीं अखिलेश को नहीं, अखिलेश नहीं पसंद करते थे, 2014 में फिर टिकट दी गई, वो तो हार गए। देखिए उत्तर प्रदेश में आज है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पहले क्या हुआ करता था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, चीटिंग माफिया, गाड़ी चोरी माफिया, मतलब आप नाम लीजिए वो इंडस्ट्री थी, तो इसलिए अब दिक्कत होगी, दिक्कत होगी। छोटा सा जवाब, मैं प्रश्न लूंगी बच्चों के, ये बताइए कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं उत्तर प्रदेश के 3 बार, राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं, क्या कार्रवाई की थी आपने, क्या कार्रवाई की थी आपने, क्या कार्रवाई की आपने? मैं बताता हूँ, ये वो लोग हैं जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते, आप टिकट देते थे बस, नहीं ये अपने, कार्रवाई कौन करेगा, आप बस टिकट, कार्रवाई कौन करेगा, ये जो लंबी बातें बताते, टिकट देते थे, विधानसभा बेचते थे, संसद बेचते थे, इतिहास में जीते, एक दो प्रश्न सर, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से ये है, आप ये कहते हैं कि बुलडोजर चलाना गलत है, सेफ्टी प्रोवाइड करना गलत है, अगर बुलडोजर नहीं चलता है लोगों को उससे सेफ्टी महसूस होती है, भरोसा मिलता है कि हाँ भैया हम सेफ हैं, अगर उस चीज का प्रूफ G20 की मीटिंग में मिल चुका है, यूपी गवर्नमेंट ने 3.5 लाख करोड़ का पैसा MOU साइन किया है इस साल जो G20 की मीटिंग हुई है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट वो कह रहे हैं बढ़ रहा है क्योंकि कानून का दबदबा कायम हो रहा है जो कि पहले नहीं था, गुंडाराज कहते थे। देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 6 साल हो गए, आज भी समाजवादियों का बनाया हुआ आगरा एक्सप्रेस वे आप चले जाइए आपको दिखाई पड़ेगा, मेट्रो समाजवादी की दिखाई पड़ेगी आपको, स्टेडियम समाजवादी के दिखाई पड़ेंगे, लैपटॉप दिया हुआ समाजवादी का दिखाई पड़ेगा, हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन हमने जोड़ा है समाजवादी का दिखाई पड़ेगा, समाजवादी पेंशन दिखाई पड़ेगी, सुन लीजिए स्टेडियम सबसे अच्छा अगर उत्तर प्रदेश में बनाया तो लखनऊ के अंदर बनाया है, ये भी समाजवादियों ने बनाया है, इनके पास क्या है, इनके पास डाटा है, डाटा, वो डाटा लिए घूमते रहते हैं, पढ़ते हम पूछते कहां है, कहां है ये देखिए, यहां है पेपर में है, अरे मैंने कहां है, मेरा तो रोड पे है, देखो ना एक्सप्रेस वे चल रहा है, रोड पे मेट्रो चल रही है, स्टेडियम पे लोग हो रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं लखनऊ में, आपका कहां है,
कहाँ आपका पेन ड्राइव में है, दिक्कत तो ये है। अगला सवाल हमारा सवाल इनसे है कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो आप ही के कार्यकर्ता ने बोलते थे कि हमारी सरकार आने तो हम बता देंगे, तो उन लोगों के लिए तो उसी तरह का न्याय न होना चाहिए। किसने बोला था? हम तो हैं कार्यकर्ता, आप ही के कार्यकर्ता। किसने? समाजवादी पार्टी के। किसने? रोड अंसारी के बेटे ने। अरे क्या बोला? खुले रोड से धमकाते थे कि हमारी सरकार आ रही है हम बता देंगे, जब सरकार बनेगी तो डीएमएसपी को देख लिया जाएगा। अरे सुनिए, अरे याद दिला रहा हूँ भाई, आप भूल जाते हैं इतिहास, इतिहास जो आप भूल जाते हैं। याद दिलाओ, रुकिए इतिहास आप भूल जाते हैं। ये बोले दो ना, पावन कुले ने कहा था, पावन कुले प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि सरकार अपनी है, क्या कलेक्टर, क्या तहसीलदार, क्या एसपी, सबको दिखा देंगे। ये अभी पुणे में चुनाव हुआ, देवेंद्र फडणवीस सारे मकोका के सारे अपराधियों को बिठाकर खुले आम पैसा बांटा, फिर भी हार गए हमसे। जवाब दे दूं इनको, जवाब दे दूं, क्या बात, इन्होंने याद दिला दिया। बच्चे को दीजिए, वो पूछ रहा है। नहीं इनका एक उसी का जवाब दे रहा हूं, ये कोई उन्होंने बीच में ये टोक पड़े ना, बड़ा चौड़े होके आए, ये बताइए आपको याद दिला रहा हूं। बच्चे ने कहा, किसने कहा वो बता रहा था। सुन लो, यही फडणवीस क्या कहते थे विधानसभा में खड़े होके, सुन लीजिए, यानी क्या कहते थे, क्या कहते थे, ये जो शिवसेना के जो विधायक है ना, और नाम ले लेके बोलते थे ये इनके पर ये मुकदमे हैं, ये चोर है, इन्होंने ये चोरी किया, वही विधायक को लेकर साफ हो गए। तुम आप लोग तो ऐसे लोग हो जो उन्हीं को अपने साथ मिला के कहते हो कि आप ये धुल गए, साफ हो गए। अनुमति देखिए, उन्होंने मुख्तार अंसारी का जिक्र किया तो मुझे अचानक इन दोनों में ध्यान आ गया। याद करिए, मुख्तार अंसारी को जब सजा हो गई थी यूपी में, तो किस जेल में जाके वो नोश फरमा रहे थे? पंजाब में, कांग्रेस पार्टी के रहमो करम पर जेल में जलवाए जलाल के साथ वो जलवा अफरोज हो रहे थे, क्योंकि तबीयत नाशाद हो गई थी। और अमित शाह जब हमारी सरकार, इससे समझिए कितना बढ़िया जुगलबंदी है। ने, ने, और वो अमित शाह यूपी नहीं जाएंगे, अमित शाह देश के गृह मंत्री सो रहे थे, कांग्रेस पार्टी के अमित शाह देश के गृह मंत्री सो रहे थे, उनको कह रहा है कोर्ट में कि किसी तरह से मुझे रहने दीजिए, यहाँ पे मुझे यूपी नहीं जाना है। अब ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, मंत्री कहे कि गाड़ी पलट सकती है विकास दुबे और उसकी उसको शैडो करके आप सबको डरा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। अंजना जी, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अंजना जी, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसी दिल्ली में खड़े हैं। जब उद्योग लगाने की बात आती थी, तब उद्योगपति कहता था, बिजनेसमैन कहता था, मुझे यूपी नहीं जाना है। आज माफिया कह रहा मुझे यूपी नहीं जाना, उसके बाद इतना बड़ा बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन्होंने बोला कि आप ही फेवरेट हो गए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन्होंने बोला कि बीजेपी वो कर रही है, बुलडोजर चला रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द पॉइंट इज समाजवादी के जो नेता हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चे हैं भैंस जाते हैं अगर कोई रेप करते हैं। इन्होंने एक बार कमेंट करा था, तो व्हाट अबाउट दैट? वो भी मुलायम सिंह यादव जो कि अब हैं। देखिए, डेमोलिशन तो ठीक है, बट डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए ना। एक ही चीज आ रहा हूँ बोले दीजिए ना, आप बोले दीजिए। आपके साथ यहाँ हमारे परम मित्र आदरणीय राज्यसभा सांसद बीजेपी के परफेक्ट प्रवक्ता जी खड़े हैं। भाई मैं इसी डिबेट पे चिल्ला कि इनके घर के सामने की रोड बनवा पाया हूँ, क्योंकि वहां से लड़ता हूँ। ये रोड अपने घर के सामने बन नहीं पाती है, तो ये प्रदेश में कहाँ रोड बन जाएगी, जरा बता दीजिए। जनता की कितनी सुनी जा रही है, इतना मैंने चिल्लाया, घर के सामने की रोड नहीं बन पाती है, इतना चिल्लाया हमने। और चुनाव का वक्त था, तो शायद गई तब मैं एक दिन रात में पहुंचा वहां पे, लगा अरे हाँ आप चल रहा है कुछ की दोबारा कुछ सुबह चिल। जब आपको इतना बोलना पड़ता है कि आप घर की रोड बनवा लो, सामने इतने बड़े नेता हैं आप, तो उत्तर प्रदेश में कहां रोड बन रही है? गड्ढे ही गड्ढे हैं, रोड नाम की चीज नहीं है। और इनसे पूछो आके डाटा भी अच्छा दे देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश रोड मुक्त हो चुकी है। ठीक, एक बार मेरे कहने पर इनके लिए ताली बजा दीजिए। अब ये क्या हुआ, गाड़ी जो मोड़े। अरे गाड़ी तो वो मोड़ रहा है, हम तो सीधी चला रहे हैं। बहुत बड़ा बयान था वो, और वो नारी सम्मान से जुड़ा हुआ था। अगर बलात्कार में कोई कहता है कि लड़के हैं बहक जाते हैं, तो उसका जवाब नहीं। अरे तोड़ मोड़ के पेश करने वाले लोग आप बीजेपी पे यकीन कर रहे हैं? अंजना जी, बीजेपी मेघालय में, बराक बर्नार्ड ये वेश्यालय चलाने वाला, जिसके यहाँ जिलेटिन की कांडिया छपड़ी गई, इनका कैंडिडेट था। कुलदीप सेंगर इनके पार्टी का, चिन्मयानंद जो मंत्री था, गृह मंत्री, रेप के केस में अंदर। हर जब प्रताड़ित होती है महिला, तो बीजेपी का ही नेता क्यों निकलता है 100 में से 99 बार? अरे बताओ, इसका जवाब दो।
क्यों निकलता है? सहनी को तंदूर में किसने भून दिया था? नहीं, ये तो ऐसा है, गौरी देवी क्या था? छोड़िए, आरोप क्या ये तो ऐसा है, अरे यहां तो जलसफाई कर दिया गया, इनकी सत्ता, अरे भाई इनका सब कुछ और इनके मंत्री, ये सर वो तो टंच माल पे बोला हुआ आपके नेताओं को, छोड़िए इनके विधायक और टिकट भी देते हैं, और टिकट भी देते हैं। सुनील शर्मा को सजा हुई, डिबेट से सुनील शर्मा को सजा हुई, कोर्ट में केस चला। मुझे एक बात बताओ, कुलदीप सेंगर को आप समाजवादी पार्टी को भी डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, अच्छा है? नहीं नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, समाज की बात, जो सच है वो बता रहा हूँ मैं। समाज की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था के साथ बात कर रहे हैं, जो है नफरत तो नहीं फैलाते, कानून व्यवस्था के साथ तो है। आज ये बच्चे जो तालियां बजा रहे हैं, आज किसी और के घर पे बुलडोजर चला है बिना कानून व्यवस्था के, किसी और के, किसी गरीब के घर के ऊपर और बुलडोजर चला है। एक गंभीर बात, महिला, एक बेटी और एक माँ जल के मरी है, उसके बाद भी हमारी अगर संवेदनाएं कानून के प्रति जागरूक नहीं होती तो कैसा लोकतंत्र है? और देखिए, मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ, जो घटना जो थी ना, जिसके ऊपर ये बयान आया था कि लड़कों से गलती हो जाए, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घटना थी, एक बात डिबेट से अलग है, उसमें दो बच्चियां थी और दो लड़के थे, वो दोनों भाई थे, वो दोनों बहने थी, दोनों ओबीसी थे, मैं इसलिए कह रहा हूं, और आर्टिकल 15 जो फिल्म बनी है उसमें एक सवर्ण हो गया है और एक दलित हो गया है, और मजे की बात यह, सपा के दौर का जमाना, उसमें एक योगी जी जैसा एक करेक्टर भी आ गया है आकर, आप ये समझिए, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, ये एजेंडा क्या है सिस्टम का, ये समझिए, आज से 50 साल बाद जब लोग भूल जाएंगे इस घटना को, तब तो फिल्म देख के समझेंगे यही हुआ होगा। इसलिए मैंने बड़ी गंभीरता से बात कही है कि देश के अंदर नफरत का एजेंडा कैसे फैलाया जा रहा है, बुलडोजर जल गया होगा, कौन भूल जाएगा, हम कहते हैं हजार। एक सवाल जल्दी, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी, एक सेकंड, लेकिन इस देश में जो पार्टी रेपिस्ट को डिफाइन करती हो, जनता उस पर कैसे विश्वास करे? सवाल बीजेपी से, उस पर मत बरसिए, मेरा सवाल सुनिए, इसी उत्तर प्रदेश में, सुनिए, इसी उत्तर प्रदेश में एक रेप हुआ था, याद करिए, इमराना का, उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया, उसके बाद मौलवी ने फतवा जारी कर दिया कि वो अब अपने ससुर की पत्नी हो गई और अपने पति की माँ हो गई, ये भी चुप, ये भी चुप, मौलाना के आगे बोलने की औकात, बेटी जल गई चुप, माँ बेटी जल गई है चुप, कमाल की बात है। हमें तो वो भी याद है और हमें उन्नाव भी याद है, हमें हाथरस भी याद है, दोनों याद है। जिस पर बचाते रहे आप अपने विधायक को गिरफ्तारी से, थोड़ा याद दिला दीजिए उन्नाव भी याद दिला दीजिए, वो भूल जाते हैं, वो 1970 की याद रखते हैं, 1970 बिल्कुल आज की, जनता ने किसकी बात पे भरोसा किया? लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत कितनी सीट जीते, पूरे अगल बगल का जिला, दिक्कत है जनता पे विश्वास कर रही है, आप उनका विश्वास तोड़ रहे हो, इसका मतलब आपने जो हल्ला मचाया, जनता ने हमारी नीयत पर भरोसा किया, हाथरस जीते आप, उन्नाव जीते आप, अच्छा सत्ता में आना, ना सत्ता में आना, जीतो आप, जीतो रेप करो, जीतो रेप करो, यारों हल्ला मचाओ, शाउटिंग मैच बंद कीजिए पहले, दुष्यंत का सही याद कर लो, इन रहनुमाओं पे फिदा है दुनिया, इन इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, ये बोलो जनता बहकी हुई है, ये बहकाते हैं सबको, 2 करोड़ रोजगार देंगे हम आपको, इनकम दुगनी कर देंगे, महंगाई, डीजल पेट्रोल एकदम कम हो जाएगा, 30 रुपए मिलने लगेगा, जहां की रुपया पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, अब पतला हो गया ऐसे बैठा है, अरे दर्द हो रहा ना, ये हालत कर दिया डीजल का, अरे भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में तो सपा वालों को पेट्रोल पंप पर पैसा नहीं देना पड़ता, सब मुफ्त में भरवाते थे, कहां पे, कहां, और जरूरत पड़ने पर हफ्ता भी वसूल लेते थे, इनका दर्द समझा जा सकता है, इनको तो बड़ा महंगा लगा। सवाल बीजेपी से है, बुलडोजर न्याय का मॉडल बन रहा है, तो फिर कोर्ट का मॉडल क्या होगा? घर पे बुलडोजर चल रहा है या न्याय पे? क्योंकि जब शाहीन बाग पे चला तो कोर्ट ने कहा कि हम किस लिए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इसका उत्तर शांतनु जी दे चुके हैं। अच्छा। एक भी मैटर में उनको जाकर कोर्ट से राहत नहीं मिली, क्योंकि सब के सब इलीगल थे। जो जो चीजें प्रकाश में आ रही हैं, सपा के दौरे हुकूमत में समस्या ये थी कि 90% से अधिक माफियाओं ने अगल बगल की जमीन सब इलीगली कब्जा कर ली थी। आज जब उनसे कागज मांगे जाते हैं तो कागज नहीं दे पाते। काउंटर है इसका, प्रोसेस पहले होगा या पहले न्याय हो जाएगा उसके बाद प्रोसेसिंग होगा? प्रोसेस पूरा है, उन लोगों को दर्जनों नोटिस थे, नोटिसों पर सरकारों ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए एक में भी अगर कोर्ट से कोई किसी भी प्रकार की राहत तो आप बता दीजिए। सर मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, जब यह इनकम की बात होती है, किसान की डबल हो जाएगी, लोगों की रोजगार बढ़ जाएंगे, किसी की इनकम बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो राजनीति में जो आता है उसकी इनकम डबल ट्रिपल और मतलब 16 गुना 100 गुना क्यों बढ़ जाती है? बहुत अच्छा आपको पता, बहुत अच्छा बात कही। उत्तर प्रदेश में अगर एक उदाहरण है कि एक नेता बिलो पॉवर्टी लाइन में था, गरीबी की रेखा के नीचे, और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति, वो कौन? गायत्री प्रजापति, इनकी पार्टी के थे।
अब आप देखिए ये दोनों पार्टियां हैं, सुनिए दोनों पार्टियां हैं जिनके प्रथम परिवारों ने पिछले तीन पीढ़ी से ना कोई नौकरी की है ना बिजनेस किया है, ना नौकरी की है ना बिजनेस किया तीन तीन पीढ़ी से, और इसके बावजूद सैकड़ों करोड़ इनकम टैक्स के नोटिस है। आप सोचिए ना, और दावा करते हैं 11,000 करोड़ का प्रॉपर्टी मेरे पास है। क्या मनरेगा पे गए थे? कौन? गडकरी जी मनरेगा पे गए थे? 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ है भाई? सांसद को चैलेंज करता हूँ भाई, बोलते हो। अरे भाई बोलने की बात नहीं है, सांसद का भी चेक करिए, चेक करिए कितने मेरा पाड़ा ऊंचा बड़ा है। अच्छा बताइए, बहुत गलत है, जवाब गायत्री प्रजापति बजाय जवाब दे, और ये भी बलात्कार का आरोपी था जिसको टिकट दिया अखिलेश यादव ने। सुन लीजिए, ये भी बलात्कार का आरोपी था दे रहा हूं। जिसको टिकट दिया अखिलेश यादव ने, इस 5 सालों में पहले ये बताइए कैसे हो जाता है 10 साल में 150 करोड़ की संपत्ति कितनी बढ़ गई भैया? जरा गूगल कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी में आ गई भैया, 5, 7, 14 के बाद से कितना हो गया उसका? क्या आपकी पार्टी कितनी कितनी वेल्थ बढ़ गई इतने सालों में? उसने तो यही पूछा ना कि सारी पार्टियां मोटी होती जाती हैं। सारी हमारी पार्टी की जो वेल्थ बढ़ी वो सब नंबर एक में चेक से दिख रहा है, ये बना कहां से? आपका तो मैं पूछ रहा हूं, मेरे भाई आया नहीं दे रहे हैं आपको सब दे रहे हैं बगैर काम धंधा किए हुए 1.5 करोड़ रुपया आया कहां से? अगला सवाल मेरा जवाब सर से है। सर ने बोला था कि डेवलपमेंट का हो रहा है, हमारी तो रेल चल रही है सर, रैपिड रेल तो बन रही है, अभी चलन तो लग रही है, रोज देखते हैं हम तो। रैपिड रेल कौन लेके आया था? समाजवादी का तो प्रोजेक्ट है, और क्या हम ही? अरे हमने उसकी नींव रखी है, हमने उसको बनाया था। चिंता होनी चाहिए कि आपको समझाना पड़ रहा है, अभी ये बच्ची मान रही बीजेपी लाई है। अरे उसको समझा रहा हूं, ये कहना प्रोपगंडा है ना, भरोसा और क्रेडिबिलिटी प्रोपगंडा प्रचार। जल्दी पूछो, ये मेरा क्वेश्चन बीजेपी से फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है सर। यूथ आपके साथ है, जनता आपके साथ है, हर उम्मीद में आपके साथ है, पर एक चीज में जो दिल दुखता है यूथ का वो ये है कि कैसे एक हिंदू धर्म, जो भी नई फिल्म आती है हिंदू धर्म का कैरेक्टर मजाक बना दिया जाता है, बस फिल्में बॉयकॉट करेगी, आप भी हमारा कुछ साथ देंगे? देखिए जो ये एक पब्लिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बहुत स्पष्ट बात है, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, यह जनता की जागरूकता से जुड़ा मुद्दा। पर एक फूड फॉर थॉट आप सबको देता हूं, पिछले 60-70 सालों में आपने दर्जनों यही है। अरे भाई सुनिए, सीरियस बात कह रहा हूं। अच्छा सीरियस है, दर्जनों आपने मूवी देखी होगी जिसमें 786 का कमाल देखा होगा, 108 के कमाल वाली एक मूवी बताइए, सोच के रिसर्च करिए, एक मूवी नहीं होगी जिसमें 108 नंबर का कमाल दिखा हो। 786 का बिल्ला जान बचाता है, दर्जनों बार देखा होगा, गोली लगने से बच जाता है, और अच्छा, उसी सेम फिल्म में अच्छा, जिसमें 786 का बिल्ला वो बचाता है, उसमें अगर उसकी माँ या भाभी प्रसाद देती है तो हीरो कहता मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे उस भगवान पे भरोसा नहीं है, मगर उस बिल्ले पे भरोसा है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं के लिए दुर्गा माँ शिव सिंह पे बैठ के आती है, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे दुर्गा माँ ने शिव जाती है। अगला सवाल, ये बहक जाएगी बहस। मैम मेरा सवाल बीजेपी से है कि जो उमेश पाल हत्याकांड में जो बुलडोजर चल रहा है, आरोपी तो बहुत है, उनके घर पर भी चलेगा क्या? अभी तक पकड़े नहीं गए, सवाल जितने आरोपी हैं सब पे पकड़े कब जाएंगे? जितने लोग नामजद हुए हैं, जितने लोग सीसीटीवी में आइडेंटिफाई हुए हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। 10 दिन हो गए आइडेंटिफाई और सांसद है क्या? आप ऑफिशियली बता रहे हैं कि अब ऐसे ही यूपी पुलिस काम करती है? नहीं नहीं नहीं, ऑफिशियली यूपी सरकार अब ऐसे ही काम कर रही है? ऑफिशियली आपने कहा ना सभी आरोपियों के यहाँ चल रही है, आरोपी है ही नहीं अभी, अभी आरोपी ऑफिशियली ये बता रहे हैं ठीक है, अहमद के करीबियों पर चल रही है। कोई अगर अपराधी ये सोचे कि वो संगीन अपराध को अंजाम देने के बाद जलवाए जलाल से उत्तर प्रदेश में रहेगा, तो मैं उसके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लखनऊ की कहावत है पुरानी, हाँ, आपको ही पता होगी, हाँ, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे। मतलब क्या हुआ? बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में डालेगी क्या? क्या बुलडोजर चला देंगे? नहीं नहीं, अपराधियों को, हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अपराधियों को हम पूरी तरीके से दंडित देंगे। योगी जी को इतना घमंड है, जब आपको लग रहा है इतना अच्छा ये काम है तो फिर इसको डालिए ना। मैंने एक बात करें, योगी जी तो सदन के पटल पर मुख्यमंत्री का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है ना कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब इसमें किसकी अरमान मिट्टी में मिल रहे हैं उनसे सवाल पूछिए। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, देखिए सवाल आपने आप कह दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, बता अरमान इनकी मिट्टी में मिल रहा है? सुनो जवाब दे रहा हूँ, हंस का रहे, बता आपने आप कह दिया, मैं जवाब, देखिए कमाल इनकी, देखिए सरकार इनकी, पुलिस इनकी, जवाब मुझसे मांगते हैं। अरे हम आपसे जवाब मांग रहे हैं कि भाई ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है, गुंडागर्दी क्यों हो रही है, बार बार पूछ रहा हूं,
लेकिन जब आप काम आ गए, जब हथरस की घटना हुई तब ये 1980 की बात कर रहे थे, जब लखीमपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तब 1980 की बात कर रहे थे, अब जब सुनिए कानपुर में घटना हुई थी तब 1980 की बात कर रहे, प्रयागराज में घटना हुई तो 1980 की बात कर रहे। अरे भैया छोड़ेंगे, उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे आप? 2023 की बात करेंगे कब? अंजना जी एक सवाल जल्दी से, मेरा एक सवाल है, इतिहास के पंडित है, थोड़ा बहुत इतिहास हम भी जानते हैं, इतिहास में लेकर जाते हैं, 9 साल से आपकी सत्ता है, दूसरी बार यूपी जीते हो, बुलडोजर चलाने की जब आप पे वक्त आता है तो ये फेलियर किसका? पहली बात, यानी आप फेल हो कानून व्यवस्था लगाने में। दूसरी बात, मैं ये सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, ये भारत का भविष्य है, इन्होंने दिल खोल के इनको मतदान किया है, दिल खोल के इनको सत्ता में बिठाया है कि अच्छे कानून बनाए, क्या इनको इसके लिए मतदान किया है कि ये रेप करे इनके लोग? क्या इनको इसके लिए मतदान किया कि ये महंगाई बढ़ाए? क्या इसके लिए मतदान किया इनको कि ये बेरोजगारी बढ़ाए? क्या इसके लिए इनको मतदान किया है कि हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम न्याय व्यवस्था को नहीं मानेंगे, सीधे बुलडोजर चला देंगे? आज किसी और के घर चला है, कल हमारा भी घर हो सकता है, क्योंकि जब तानाशाह अपने तानाशाही पे आता है तो अपने आसपास वालों को भी नहीं छोड़ता है, ये इतिहास है। हमने सुना है बीजेपी वाले भी डरते हैं कुछ बोलने में, बोलता बुलडोजर का मुख इधर ना मुड़ जाए। पहला तो मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूं कि इन्होंने कहा कि ये युवा जो है वो भारतीय राजनीति के चिर युवा के साथ नहीं खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है, ये इनको मानने के लिए। दूसरा, इन्होंने कहा किसी को गलत करके और किसी को गाली देके और हजारों करोड़ खर्चा करके, अगर राहुल जी का अगर आप इमेज खराब करना चाहते हो तो वो आपकी अच्छा ही नहीं है, आप डरते हो। जो है पड़ा हुआ तीर अपने आप ले रहे हैं भाई, अपने आप डरते हो, ले लिया आप डरते हो, सुनिए आप डरते हो। अरे वो तो उस घराने से आता है जिसने दो दो बलिदान दिए, वो तो भारत जोड़ने नफरत तोड़ने की और मोहब्बत की बात करता है, और ये तो सिर्फ नफरत की बात करते हैं, कभी मोहब्बत की बात की इन्होंने? कभी तोड़ने की बात, कभी कपड़ों से पहचानने की बात, धर्म की बात, इसके अलावा कोई बात नहीं मिला? हम तो कह रहे हैं शाउटिंग मैच नहीं, जब मैं उनसे पूछू वो जवाब देंगे। प्लीज देखिए, हम तो कह रहे हैं नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। आप याद करिए जब इनकी सरकार थी मुंबई में तो क्या हुआ, बुलडोजर चला था एक जगह, कब? 1857 कहां? अरे अभी नहीं, अभी 2 साल पहले 1857 में कंगना रनावत के घर पे, और उसके बाद शिवसेना के मुखपत्र में निकला था, उखाड़ दिया। अब तो कोई किंतु परंतु कोर्ट था, उखाड़ दिया कैसे बोला भाई, पॉलिटिकल पार्टी का अखबार लिखता है उखाड़ दिया, और उसके बाद आज आके सवाल। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझ के बोलिए। अब मुद्दे की बात, अरे सुनिए, आज हम भी सुनिए, अरे आज की बात करें, बिल्कुल आज की लेटेस्ट बात करें, नोटिस प्रयागराज की बात करें, कर्नाटक की बात करें, प्लीज मत कीजिए। तो वही तो चालीस आज हम बात करते हैं ग्रोथ रेट और महंगाई की, ठीक है? आज ही राहुल गांधी जी ज्ञान दिए ना ब्रिटेन से, बताओ कितनी ग्रोथ रेट है, कितनी महंगाई वहां कहां ब्रिटेन में? हाँ, यही सबसे पहले आपने सवाल पूछा, क्या इस देश में भाजपा को लोगों ने इंग्लैंड की महंगाई? इंग्लैंड में भाषण दे रहे हो भाई, इंग्लैंड में भाषण दे रहे हो, यहाँ के मेडिसन स्क्वायर में जाके तो नहीं भाषण दे रहे कि इस देश में 14 के पहले पैदा होना गलत है? ये तो सब 2014 के पहले की बात है। वैसे एक बात बताएं, वैसे तो राहुल गांधी की हालत पॉलिटिकल साइंस के डिग्री वाले इकलौते हैं, उन्हें कोई बुलाता नहीं, हम क्या करें सर? अब कंक्लूडिंग रिमार्क ले, आज राहुल जी की हालत ये हो गई है कि ना दादी का घर अच्छा लग रहा, ना नानी का घर अच्छा लग रहा है, वहां की भी प्रधानमंत्री ने कह दिया, इनकी नानी के देश की प्रधानमंत्री जॉर्जियो लियोनी ने कह दिया मोदी जी सबसे बढ़िया, आप क्या करें बेचारे, तो निहाल से भी गए, निहाल से भी गए, इनकी कौन बात है? वापस आते हैं टॉपिक पे, अगर कंगना रनौत के दफ्तर पर चले वही बुलडोजर तब अच्छा था, तब संविधान अपहोल्ड हो रहा था। एक बात समझ लीजिए, ये शिवसेना और बीजेपी ये 25 साल एक दूसरे के साथ में रहे, 25 साल, और जब जो भी हुआ इनका, उनका कहना है अमित शाह जी ने झूठ बोला, जहां बाला साहब टक्कर, सुनिए सुनिए, सुनो उन्होंने नोटिस दिया, मैं गाड़ी नहीं मोड़ता, मैं सीधी चलाता हूँ गाड़ी, और लाइसेंस लेके चला, गाड़ी वो मोड़ते हैं, हाँ गाड़ी वो मोड़ते हैं, वो 1857 में चले जाते हैं, बुलडोजर क्यों? तो उन्हें नोटिस दिया 7 दिन तक, वो ये भी वही बताते हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया, नोटिस दिखा दिया, नोटिस दिया, नोटिस के साथ बुलडोजर के साथ नोटिस चिपका देते हैं दीवार के साथ, ना नोटिस दिखता है ना दीवार दिखती है, ये सबने देखा है। तो नफरत के बुनियाद पे खड़े हैं, जब भी उगलेंगे जहर ही उगलेंगे, 10 ही साल जीते हैं, फिर भी 10 ही साल जीते हैं, और बताने के लिए क्या है? तो बेताशा बेरोजगारी, बेताशा महंगाई, संपत्तियां देश की बिक रही है, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, डीजल महंगा मिल रहा है, रोड के रोड बना रहे, टोल भी ले रहे, रोड का सेस भी ले रहे, टैक्स भी ले रहे, क्या 24 की वजह से योगी और भी अग्रेसिव हो रहे हैं?
योगी पार्ट टू में? योगी एग्रेसिव थे इसलिए आए हैं, वो काम के लिए एग्रेसिव हैं। अनुराग जी ने पूरे समय कहा कि हमने ये बनवाया, हमने आपके बच्चों को, आपके बच्चों के लिए एक बात बता दूं जो यहाँ बैठे हैं, 2016 दिसंबर में मतलब चुनाव के 17 वाले चुनाव के 2 महीने पहले अखिलेश यादव ने 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 1,000 प्रोजेक्ट ऐसे टिक 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 करके लखनऊ में लॉन्च कर दिए। अब क्या होता है पूर्वांचल एक्सप्रेस बनता है, ये तो मैंने टिक टिक किया था, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनता है, ये तो मैंने टिक टिक किया था, अब जो भी बनता है क्योंकि मैंने टिक टिक किया था इसलिए सारा काम मेरा है। मजेदार बात है, देखिए हम समाजवादी लोग विकास के, मेरा नारा है कि हमारा काम बोलता है, समाजवादी लोग काम की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये बात करते हैं सिर्फ नफरत की, कैसे नफरत की बात होगी? नहीं, एक ही बात है यहाँ पर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, अगर वो हर्ट होता होगा किसी की भी वजह से तो इसका मतलब अपनी असफलता है। देखिए एक ही लाइन में कह देता हूं, सपा और कांग्रेस आई, दोनों की चिंता एक है, जीतेगी निश्चित भाजपा चूंकि नियत नेक है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।